हेलो गाइस, गुड इवनिंग. आई वेलकम यू ऑल ऑन एन अकेडमी, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. वी आर हेयर एट द चैनल लेट्स क्रैक नीट पीजी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डीप सी फिजियोलॉजी. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट. गुड इवनिंग डॉक्टर सुष्मिता. Myself, Dr. Nidhi. I am alumni of King George Medical University, KGMU, Lucknow. I am teaching you all physiology, and guys, physiology का काफ़ी अच्छा वेटेज है नीट पी जी एग्जामिनेशन में. हर साल 15 to 20 क्वेश्चन फॉर श्योर कम इन आर नीट पी जी एग्जामिनेशन. सो एवरी वन, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए सो दैट यू कैन स्कोर मोर इन योर एग्जामिनेशन एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट. मेडिसिन पढ़ना है तो भी आपका फिजियोलॉजी क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाओगे. सो एवरी वन क्लियर द कंसेप्ट, फॉर दैट यू हैव टू ट्यून टू माई लेक्चर्स. एवरीबडी अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से एंड फॉलो मी आउट देयर. माई पेज इज unacademy.com/@KGMC. ठीक है, एक ऑन गोइंग कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो एनी टाइम बाई यूजिंग माई रेफरल कोड, दैट इज डॉक्टर निधि. काफ़ी सारे स्पेशल क्लासेस भी मैंने लिए हैं, तो इफ़ यू वॉन्ट टू रिवाइज एनी टॉपिक यू कैन रिवाइज इट एनी टाइम. वेरियस अदर रेनाउंड एजुकेटर आर ऑल्सो ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो वेन यू टेक द सब्सक्रिप्शन यू विल बी श्योरली बेनिफिटेड. कमिंग टू द बेनिफिट्स, वेन यू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन यू विल बी एबल टू अटेंड डेली लाइव क्लासेस. इट इज़ लाइक अ क्लासरूम एक्सपीरियंस जहाँ पे आप अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट को लाइव सेशन में ही क्लियर कर सकते हो. वेरियस लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेज आर देयर फ्रॉम दिस योर प्रिपरेशन. अरे बैच कोर्स, कैप्सूल कोर्स, रैपिड रिविजन कोर्स चल रहे हैं जिसको आप एनी टाइम ज्वाइन कर सकते हो, एंड दीज ऑल आर द बूस्टर सेशन फॉर द प्रिपरेशन. ठीक है, देर इज़ अ स्ट्रक्चरल शेड्यूल विच इज़ लाइंड अकॉर्डिंग टू योर अपकमिंग नीट पी जी एग्जामिनेशन, सो इफ़ यू टेक द सब्सक्रिप्शन यू विल बी श्योरली बेनिफिटेड. कमिंग टू द न्यूली लॉन्च सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इन दिस यू विल गेट बेनिफिट ऑफ ऑल दीज प्लस फीचर. अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट एक्सेस फॉर द प्रेप लैडर, इन दिस यू कैन गेट एक्सेस फॉर द वीडियो लेक्चर ऑफ प्रेप लैडर, क्वेश्चन बैंक 2.0, रैपिड रिविजन कोर्स, and you will be also provided with handwritten note of prep ladder. So if you want to avail this feature also, go for the iconic subscription everybody. Coming to the subscription fee, iconic subscription starts from 1 year. 1 year fee is 55,000, 18 month fee is 66,000, 24 month fee is 77,000, 36 month fee is 92,000. When you apply my referral code Dr. Nidhi out here, you will get instant 10% discount in your subscription and your subscription fee will become more economical. 1 year fee will reduce to 49,500, 18 month fee ho jayegi 59,400, 2 year fee will reduce to 69,300 and 36 month ki fee ho jayegi only 82,800. So that will be more economical, so do use my referral code everybody, Dr. Nidhi. Coming to the plus subscription is also available for lower duration like 1 month, 3 months, 6 months. So as per your requirement, you can take subscription out here. 1 month fee is 5,000, 3 month fee is 12,500, 6 month fee is 22,500, 12 month fee is 27,500, 18 month fee hai 32,500, 2 year ki fees hai 40,000 and 36 month ki fees hai only 50,000. ठीक है, दोज हु आर प्लानिंग टू गिव एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, आई विल सजेस्ट गो फॉर 1 year ड्यूरेशन ताकि आप अपने हर टॉपिक को कवर कर सको. फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन गो फॉर 24 months, यानी 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते सो दैट दे कैन रिवाइज द टॉपिक मोर एंड मोर. ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट गो फॉर द मैक्सिमम ड्यूरेशन, दैट इज 36 month, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा. जब आप पर मंथ का काउंट करोगे सो उस समय ये बहुत ही इकोनॉमिकल होगा. ठीक है, यहाँ पे भी जब आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड लगाओगे डॉक्टर निधि, यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. ठीक है, 1 month फी विल रिड्यूस टू 4,500, 3 month फी विल रिड्यूस टू 11,250, 6 month फी विल रिड्यूस टू 20,250, 12 month फी विल रिड्यूस टू 24,750, 18 month की फीस हो जाएगी 29,250 एंड 2 ईयर्स की फीस हो जाएगी 36,000 एंड 36 मंथ की फीस हो जाएगी ओनली 45,000. सो दैट विल बी मोर इकोनॉमिकल, सो डू यूज़ माई रेफरल कोड एवरीबडी. दोज हु आर न्यू, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड फॉलो मी ऑन देयर.
My page is Need Physiology, or you can search an Academy Physiology. सर्च कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें एंड आपका कोई भी सेशन मिस ना हो. ठीक है, प्रीवियस जितने सेशन हुए हैं उसका लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा. चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, डीप सी फिजियोलॉजी. चलो फर्स्ट कमिंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट. जैसे ही सी डेप्थ में जाते हैं हमारा टोटल प्रेशर इंक्रीज होता है. ठीक है, हम जैसे ही सी डेप्थ में जाएंगे टोटल प्रेशर तो इंक्रीज होता है बट फ्रैक्शनल कंसेंट्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी गैसेस रिमेन सेम. ठीक है, फ्रैक्शनल कंसेंट्रेशन सेम है, फ्रैक्शनल कंसेंट्रेशन इज रिमेन सेम बट द बैरोमेट्रिक प्रेशर इज इंक्रीजिंग. सो दैट्स व्हाई क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा हमारा तो दैट विल कॉज इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ डिजॉल्व गैसेस इन द टिश्यू. टिश्यू में ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व होने लगेगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होने लगेगा, ज़्यादा नाइट्रोजन डिजॉल्व होने लगेगा एंड दैट विल कॉज टॉक्सिसिटी ऑफ गैसेस ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर. ठीक है, इसी वजह से जितने कॉम्प्लिकेशंस आते हैं डीप सी फिजियोलॉजी में वो इसी वजह से आते हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व गैसेस कॉजिंग इट्स टॉक्सिसिटी. ठीक है, चलो डीप सी में ह्यूमन डिसेंड कब करता है, फॉर द रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ऑल दोज हु आर अंडर द अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, फॉर मिलिट्री ऑपरेशन. इन सब सिचुएशन में ह्यूमन डिसेंड टू द डीप सी and at deep sea composition of air remains same, barometric pressure increases and due to increase in barometric pressure kya hoga hamara jo oxygen dissolve hoga jo gases ka dissolve hoga tissue mein that will be more and that will lead to the toxicity. theek hai, first coming to the jaise hi hum sea level mein deep jana shuru karenge theek hai to pressure kya hoga इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीजेस एंड फ्रॉम बॉयज लो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. ठीक है, प्रेशर डीप सी लेवल में इंक्रीज होगा सो वॉल्यूम रिड्यूसेस. ठीक है, इसी को याद रखना, आगे फिजियोलॉजी जब क्लियर करेंगे तब समझ में आएगा. डीप सी डाइविंग में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बैरोमेट्रिक प्रेशर इंक्रीज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज होता है फ्रॉम द बॉयल्स लो. इंट्रा थोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होता है, इंट्रा एल्वेलर प्रेशर इंक्रीज होता है, जबकि हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है बैरोमेट्रिक प्रेशर डिक्रीज होता है एंड गैसेस एक्सपेंशन विल बी देयर सो वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड इंट्रा थोरेसिक प्रेशर इंट्रा एल्वेलर प्रेशर एट द हाई एल्टीट्यूड डिक्रीज होता है. ठीक है, क्लियर है एवरीबडी. चलो अब आते हैं, ड्यू टू high level of partial pressure of oxygen there occur oxygen toxicity. ठीक है, high partial pressure of oxygen की वजह से क्या होगा, ज़्यादा oxygen dissolve होगा and that can lead to the seizure and finally it can lead to the coma. ठीक है, next क्या हो सकता है, carbon dioxide toxicity हो सकता है. up to partial pressure of carbon dioxide 80 mm of Hg तक तो क्या होता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इनिशियली इंक्रीज होता है एंड दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय डाइवर्स बट व्हेन दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गोज बियॉन्ड 80 mm of Hg, जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गोज बियॉन्ड 80 mm of Hg रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस्ड होना शुरू हो जाता है एंड इट कैन लीड टू द डेथ. ठीक है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी and last is nitrogen toxicity. This nitrogen toxicity is also known as nitrogen narcosis. जो main problem है that is due to nitrogen toxicity. जितना भी deep sea divers की death होती है that is due to nitrogen toxicity. क्या होता है, when individual descend deep into the deep sea, ठीक है, तो क्या होता है partial pressure of nitrogen increase होता है and that causes
that causes nervous system depression. ठीक है, नर्वस सिस्टम हैम्पर्ड होगा उस केस में एंड दैट विल लीड टू सम सिम्टम्स विच आर सिमिलर टू अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन. ठीक है, एट 120 फीट पे जैसे ही डाइवर्स जाता है देर इज सिम्टम ऑफ जोवियालिटी. ठीक है, नर्वस एक्टिविटी इंक्रीज होती है उस केस में. 150 टू 200 फीट पे जाएगा तो देर आकर ड्राउजी. ठीक है, 200 से 250 फीट पे जब इंडिविजुअल जाता है तो ही बिकम टू क्लम्सी टू परफॉर्म द वॉक एंड बियॉन्ड 200 फीट जैसे ही जाता है इट बिकम ऑलमोस्ट यूजलेस. ठीक है, एंड दिस नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी इज ऑल्सो नोन एज रैप्चर्स ऑफ टी. ठीक है, क्लियर हुआ एवरीबडी नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी क्यों होता है? जैसे इंडिविजुअल डीप सी में जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस एंड दिस नाइट्रोजन हैज हायर एफिनिटी टू द फैटी टिश्यू. ठीक है, फैटी टिश्यू से ज़्यादा एफिनिटी होता है, दैट्स वाई ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में हमारा न्यूरॉन्स माइलिनेटेड होता है. माइलिनेटेड जो शीथ होता है, माइलिन शीथ, दैट माइलिन शीथ इज रिच इन फैटी एसिड. माइलिन शीथ इज रिच इन फैटी एसिड एंड ड्यू टू विच दिस नाइट्रोजन बाइंड्स विद द माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन. ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट देखने को मिलता है दैट इज ऑन नर्वस सिस्टम. ठीक है, एंड जो सिम्टम्स मिलता है दैट इज सिमिलर टू अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन. ठीक है, 120 फीट पे जाता है देर इज सिम्टम ऑफ जोवियालिटी. 150 टू 200 फीट पे देर अकर ड्राउजी. 200 से 250 फीट पे टू क्लम्सी टू परफॉर्म वर्क एंड बियॉन्ड 200 फीट पे डाइवर बिकम ऑलमोस्ट यूजलेस. ठीक है, एंड दिस नाइट्रोजन नार्कोसिस इज ऑल्सो नोन एज रैप्चर्स ऑफ डीप. ठीक है, सेम थिंग इज रिटन आउट हियर. नाइट्रोजन हैज हायर एफिनिटी फॉर द लिपिड्स so it particularly dissolve to adipocytes and neuronal membrane because this neuronal membrane will be containing. Yeah, the most probably the Sushmita 200 feet ke beyond agar jata hai to most probably due to the nitrogen toxicity death is possible. Theek hai, nitrogen has higher affinity for the lipids so adipocytes or neuronal membrane se jaake wo bind karta hai. ठीक है, दिस नाइट्रोजन दैट्स वाई क्रॉसेज द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इट लीड टू द यूफोरिया ओवर कॉन्फिडेंस एंड लेटर ऑन देर विल बी डिटोरिएशन इन जजमेंट. ठीक है, दीज ऑल सिम्टम्स वी विल गेट ड्यू टू नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी. चलो, नाइट्रोजन नार्कोसिस एज द सिम्टम इज almost similar to the alcohol intoxication. There is given a Martini law. ठीक है, जैसे ही individual deep sea में dive करता है तो after some level there is effect similar to one glass of Martini. ठीक है, that's why this law is given Martini law. For the nitrogen narcosis at 75 to 100 meter pe thinking and judgment potentially affect hota hai. 150 to 175 meter pe communication motor mental task impaired hota hai and beyond 200 meter pe there is no in control, nervous system is not in control. Theek hai, this is the Martin's law for the nitrogen narcosis. ठीक है, क्लियर हुआ. ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इज देयर. ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होता है, कोमा में जा सकता है इंडिविजुअल. कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी. कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी व्हेन इट इज मोर देन 80 mm ऑफ Hg प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन 80 mm ऑफ Hg इट विल कॉज depression of respiratory center.
लास्ट वन इज नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी, एंड दिस नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी इज ऑल्सो नोन एज रैप्चर्स ऑफ डीप, जहाँ पे नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होगा. क्लियर है? अब आते हैं, वॉट इज डी कंप्रेशन सिकनेस? दिस डी कंप्रेशन सिकनेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज कैसन्स डिजीज, डाइवर्स पैरालिसिस, डिसबैरिज्म, कंप्रेस्ड एयर सिकनेस एंड बेंड्स. ठीक है, डिफरेंट नेम है, बिल्कुल याद रखना. कैसन्स डिजीज, डाइवर्स पैरालिसिस, डिसबैरिज्म, कंप्रेस्ड एयर सिकनेस एंड बेंड. ठीक है, ये कब देखने को मिलता है? व्हेन इंडिविजुअल असेंड रैपिडली फ्रॉम द डीप सी लेवल. ठीक है, डीप सी लेवल से अगर रैपिडली इंडिविजुअल राइज करेगा तो क्या होगा? हमारा प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा एंड वॉल्यूम विल इंक्रीज. ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा यानी गैस विल एक्सपैंड. ठीक है, गैसेस एक्सपेंशन विल बी देयर. ठीक है, और ये बहुत फास्ट होता है, दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म गैस बबल्स. ठीक है, ड्यू टू रैपिड एक्सेंट, ड्यू टू रैपिड एक्सेंट प्रेशर विल डिक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज, एंड ड्यू टू विच गैसेस एक्सपेंशन विल बी देयर एंड दिस विल कॉज फॉर्मेशन ऑफ दिस गैस बबल एंड दिस गैस बबल विल कॉज फैटल कंडीशन. ठीक है, और जो बबल्स बनता है इसमें नाइट्रोजन बबल्स आर मोर हार्मफुल. कैसे हार्मफुल है देखेंगे. दिस डीकंप्रेशन सिकनेस में क्या होता है, नाइट्रोजन बबल्स डेवलप करता है एंड दे कॉजेज माइनर डैमेज एंड दिस गैस बबल व्हेन ब्लॉक द ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो हमारा डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, एंड टिश्यू विल अंडरगो हाइपोक्सिया. ठीक है, क्लियर हुआ एवरीबडी? तो सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं. फर्स्ट एंड फोरमोस्ट सिम्टम वी विल गेट दैट पेन इन जॉइंट एंड मसल्स ऑफ लेग्स एंड आर्म. ठीक है, ड्यू टू दिस एम्बोलस क्या होगा, पेन जॉइंट में एंड मसल में स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट्स व्हाई डाइवर्स गेट बेंड. सो दिस फेनोमेना इज ऑल्सो नोन एज बेंड्स फेनोमेना. ठीक है, फर्स्ट सिम्टम हमें यह देखने को मिलता है. नेक्स्ट वी विल सी द डिजीनेस, पैरालिसिस और कोलैप्स, अनकॉन्शियसनेस एंड इन सीवियर केसेस ये अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है तो इट विल लीड टू द चोक. ठीक है, डीकंप्रेशन सिकनेस में वी विल गेट फर्स्ट सिम्टम क्या मिलेगा, देर विल बी पेन इन जॉइंट एंड मसल्स ऑफ लेग्स एंड आर्म, दैट्स व्हाई डाइवर विल बेंड एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज बेंड्स फेनोमेना, दैट्स व्हाई. ठीक है, dizziness will be there, paralysis or collapse can be there, unconsciousness will be there in 5 to 10% cases and 2% cases mein agar respiratory system ko block kar deta hai gas emboli to choke will be seen. theek hai, these all are the symptoms we will get. ab aate hain kya hoga, death kyun hota hai respiratory is decompression sickness mein. massive number of micro bubbles form ho jayega and that will plug the pulmonary capillary. ठीक है, pulmonary capillary पूरी block हो जाएगी and that will lead to the shortness of breath. and due to the shortness of breath हमारा क्या होगा, pulmonary edema will be seen and that is responsible for death. 2% cases में जो death होती है decompression sickness में, that is due to this reason. ठीक है, मैसिव नंबर्स ऑफ माइक्रो बबल्स विल बी फॉर्म एंड दैट विल प्लग द पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी ब्लॉक हो जाएगी, दैट विल लीड टू द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड ड्यू टू विच हमारा सीवियर पल्मोनरी इडीमा शुरू हो जाएगा. ठीक है, एंड दैट विल कॉज द डेथ. क्लियर है एवरीबडी, यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं, व्हाट इज द प्रिवेंशन, कैसे इस डीकंप्रेशन सिकनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं.
स्टेजिंग, फर्स्ट मेथड इज स्टेजिंग. इसमें क्या करेगा, द डाइवर्स शुड एसेंड ग्रेजुअली. ठीक है, जैसे 10 feet अगर राइज किया, फिर 10 मिनट का गैप ले लिया, फिर 10 feet राइज किया और फिर 10 मिनट का गैप ले लिया, तो उस केस में क्या होगा, गैशियस जो एक्सपेंशन होगा वो स्लोली होगा. ठीक है, वो हमारी बॉडी में कंपनसेट हो जाएगा, फिर एक्सेंड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट मेथड होता है टैंक डीकंप्रेशन. ठीक है, इसमें जैसे ही डाइवर्स ऑफ सी से बाहर आएगा, ही इज प्लेस्ड इनटू द रीकंप्रेशन चैम्बर. ठीक है, दिस इज द रीकंप्रेशन चैम्बर. उसमें डाइवर को प्लेस कर दिया जाता है एंड जितने डीप लेवल पे, डीप सी लेवल पे डाइवर था, उतना प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली रिलीज कराया जाता है. ठीक है, सो उस केस में क्या होगा, वापस से जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है दैट विल बी कंपनसेटेड. ठीक है, क्लियर हुआ एवरीबडी. Decompression sickness can be prevented by staging and tank decompression. Clear है everybody? चलो अब आते हैं space physiology पे. Space physiology में gravitational force change होता है, that's why body में कुछ changes होते हैं. First coming to the G forces, किस तरह change हो सकता है, G force positive हो सकता है, G force negative हो सकता है and G force gravitational force becomes zero. This situation is known as microgravity. ठीक है, पॉजिटिव G force होगा तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होगा, पॉजिटिव G force है यानी gravitational force is experienced by the body and due to which क्या होगा, blood pulling towards the lower most part of the body यानी legs में blood pulling will start and that will result into venous pooling of blood. ठीक है, सेरेब्रल फ्लो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, सेरेब्रल प्रेशर डिक्रीजेस. ठीक है, सेरेब्रल फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, दैट कैन लीड टू द अनकॉन्शियसनेस. ठीक है, ब्लड फ्लो टू द आई विल ऑल्सो डिक्रीज एंड दैट इज नोन एज ब्लैकआउट ऑफ विजन. ठीक है, सो इन पॉजिटिव जी वी विल गेट द ब्लैकआउट ऑफ विजन. ठीक है, क्या क्या मिलेगा, वीनस पुलिंग विल बी देयर, सेरेब्रल प्रेशर विल बी डिक्रीज, अनकॉन्शियसनेस विल बी देयर, देयर विल बी डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द वेसल ऑफ आई एंड दैट विल लीड टू द ब्लैकआउट ऑफ विजन. ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं, दैट इज नेगेटिव जी. नेगेटिव जी है यानी ब्लड कहाँ पुश्ड होगा, टूवर्ड्स द हेड, तो उसके सिचुएशन में इट विल रिजल्ट इन टू डिक्रीज वीनस रिटर्न. ठीक है, वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा, सेरेब्रल प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सेरेब्रल प्रेशर, सेरेब्रम में जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा, सेरेब्रल प्रेशर विल इंक्रीज, देयर विल बी इंक्रीज कंजेशन ऑफ हेड एंड नेक वेसल्स एंड देयर विल बी हाइपरीमिया ऑफ आई एंड दिस विल लीड टू द रेड आउट ऑफ विजन. ठीक है, हमारा पॉजिटिव जी में वी विल गेट ब्लैक आउट ऑफ विजन, इन नेगेटिव जी वी विल गेट रेड आउट ऑफ विजन. क्लियर हुआ एवरीबडी. अब लास्ट सिचुएशन पे आते हैं, दैट इज माइक्रोग्रेविटी. ठीक है, माइक्रोग्रेविटी में क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में मिलता है, बिल्कुल याद रखना, मोशन सिकनेस विल बी देयर. ठीक है, देयर इज डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, देयर इज डिक्रीज इन आरबीसी मास, मसल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, वर्क कैपेसिटी डिक्रीज हो जाता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, बोन से कैल्शियम एंड फॉस्फेट लॉस होना शुरू हो जाता है एंड दैट विल डिक्रीज द बोन मास. ठीक है, क्लियर हुआ, वी विल गेट मोशन सिकनेस, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज इन आरबीसी मास, डिक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ, डिक्रीज इन वर्क कैपेसिटी, डिक्रीज इन मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट and calcium and phosphate from the bone will be lost, that will lead to the, ठीक है, that will lead to the loss of bone mass. ठीक है, clear हुआ everybody. Blood volume क्यों decrease होता है, microgravity में हमारा gravitational effect जो है
नहीं होगा तो जो ब्लड की पुलिंग है टुवर्ड्स द लेग दैट विल बी लेस एंड ड्यू टू विच अपर पार्ट ऑफ बॉडी में ब्लड का क्या होता है कंजेशन स्टार्ट हो जाता है एंड दैट गिव नेगेटिव फीडबैक. ठीक है, नेगेटिव फीडबैक हमारी बॉडी को जाएगा एंड ब्लड फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, क्लियर है डॉक्टर सुष्मिता? These all are changes we are going to see in microgravity situation. चलो अब आते हैं क्वेश्चन पार्ट पे. छोटा सा टॉपिक था, खत्म होता है. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, व्हेन एस्ट्रोनॉट स्टे इन द माइक्रोग्रेविटी फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग अकर. ऑप्शन ए इंक्रीज इन बोन मास, ऑप्शन बी इंक्रीज इन मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन सी इंक्रीज आरबीसी मास, ऑप्शन डी डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम. चलो एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन. माइक्रोग्रेविटी सिचुएशन में व्हाट विल हैपन टू द एस्ट्रोनॉट? वेरी गुड, हमारा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन नार्कोसिस इज कॉज ड्यू टू. ऑप्शन ए नाइट्रोजन इनहिबिट दिस म्यूटेज एंजाइम, ऑप्शन बी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी इंक्रीज सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन नर्व सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी डिक्रीज इन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स. एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन. नाइट्रोजन नार्कोसिस इज कॉज ड्यू टू. जो नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी है दैट इज ड्यू टू नाइट्रोजन हैज हायर एफिनिटी टू द फैटी एसिड्स एंड दैट फैटी एसिड इज प्रीडोमिनेंट इन आर नर्व सेल एंड एडिपोज टिश्यू एंड दैट कॉजेज नाइट्रोजन नार्कोसिस. क्लियर है? आंसर इज सी. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैशन्स डिजीज इज गैस एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ट्यूमर एम्बोलिज्म. एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन. कैशन्स डिजीज इज यस, आंसर इज गैस एम्बोलिज्म. सिमिलर फिजियोलॉजी तो डॉक्टर सुष्मिता नहीं है बट उतनी डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते नहीं है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू अबाउट कैशन्स डिजीज इज ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द टिश्यू, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द टिश्यू, नाइट्रोजन रिलीज फ्रॉम द टिश्यू, हाइड्रोजन रिलीज फ्रॉम द टिश्यू. चलो एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन. Cashin's disease, true about Cashin's disease. Very good. जो Cashin's disease है, decompression disease है, that is due to nitrogen release. ठीक है, प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, हमारा नाइट्रोजन एक्सपैंड करना शुरू होगा एंड दैट विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ गैस बबल्स एंड दैट कॉजेज द कैशन्स डिजीज. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैशन्स डिजीज पेन इन जॉइंट इज बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन बबल, ऑक्सीजन बबल, कार्बन मोनोऑक्साइड, एयर इन द जॉइंट. एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन. In Cashin's disease, pain in joint is because of. अभी just discuss किया था. Very good, nitrogen bubble.
Now coming to the next question. A pilot in Sukhoi aircraft is experiencing negative G. Which of the following physiological event will manifest in such situation? ठीक है, hydrostatic pressure in the veins of lower limb increases. ठीक है, cardiac output decreases. Blackout occurs. Cerebral arterial pressure increases. चलो everybody answer this question. वेरी गुड, नेगेटिव जी है यानी रेड आउट इफेक्ट, यानी सेरेब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज, आई पे इंक्रीज होगा ब्लड एंड यहाँ पे सेरेब्रल आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो है दैट विल इंक्रीज एंड दैट विल कॉज इंक्रीज इन सेरेब्रल आर्टेरियल प्रेशर. वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन. डी कंप्रेशन इज सीन इन डाइवर्स पायलट माउंटेनर एस्ट्रोनॉट. Everybody answer this question. Decompression sickness is seen in. Decompression sickness is only seen in divers. Answer is A. Very good, everyone. This is the last question of today's session. Yeah, this is the last question. आज के session में किसी को कोई doubt? Decompression sickness, Cassin's disease is only seen in divers. Deep sea diving में we will get this decompression sickness. ठीक है, जब diver gradually ascend करता है तब नहीं होता है. जब gradually extend नहीं करके बहुत rapidly diver extend करता है that will lead to the decompression sickness. ठीक है, आज के सेशन में किसी को कोई डाउट? ठीक है, छोटा सा टॉपिक था बट कभी कभी इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो रिवाइज कीजिएगा टॉपिक को. ठीक है, चलो आज का सेशन यही एंड होता है. होप यू ऑल लाइक द सेशन. इफ यू लाइक द सेशन डू शेयर, दैट इज इंपॉर्टेंट. जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा क्लास इंटरएक्टिव होगा और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्लास. सो डू लाइक एंड शेयर एवरीबडी. अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट्स क्रैक नीट पीजी. ठीक है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको यूट्यूब के थ्रू भी लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. ठीक है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड फॉलो मी ऑन देयर. माई पेज इज़ नीट फिजियोलॉजी और यू कैन सर्च एन अकेडमी फिजियोलॉजी सो दैट आपको क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें एंड आपका कोई भी सेशन मिस ना हो. ठीक है, जितने भी प्रीवियस सेशन है उसका भी लिंक प्रोवाइड किया गया है तो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा. ठीक है, दोज हु आर विलिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन यूज माई रेफरल कोड डॉक्टर निधि टू गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट इन योर सब्सक्रिप्शन एवरीबडी. ठीक है, टुमारो द क्लास विल बी सेम एट 5 PM. कल हम कुछ इम्पॉर्टेंट पिक्चर बेस्ड MCQ करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है. ठीक है, मिक्स क्वेश्चन होंगे, किसी एक सिस्टम से नहीं होगा, मिक्स क्वेश्चन होंगे. अभी तक जितना टॉपिक पढ़ा है ऑलमोस्ट सब कवर करेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम. कल मोस्टली ये 3 टॉपिक कवर करेंगे. ठीक है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, सारे क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड MCQ पे होंगे. ठीक है, चलो रेगुलर मेहनत करते रहिए, यू विल डेफिनेटली एबल टू अचीव योर टारगेट. कोई शॉर्टकट नहीं है, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे जितना ज़्यादा आप MCQ करोगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी टू क्रैक एग्जाम विल इंक्रीज. ठीक है, सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर एवरीबडी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. अगेन रिपीटिंग, इफ यू आर विलिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन डू यूज़ माई रेफरल कोड डॉक्टर निधि टू गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. मोस्ट वेलकम डॉक्टर सुष्मिता. चलो आज का सेशन यही एंड होता है. सी यू ऑल टुमारो.